हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने टोपोग्राफिकल मैप्स वाला टॉपिक शुरू किया है। इसे हम स्थलाकृतिक मानचित्र कहते हैं। आज हम इन्हीं स्थलाकृतिक मानचित्रों का परिचय प्राप्त करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि स्थलाकृतिक मानचित्र क्या होते हैं और इनमें किन लक्षणों को किस तरीके से दर्शाया जाता है। हमारा टॉपिक है टॉपोग्राफिकल मैप या स्थलाकृतिक मानचित्र। पहले हम इसका अर्थ समझेंगे। हिंदी अंग्रेजी में हम इन्हें टॉपोग्राफिक मैप के नाम से जानते हैं। ये ऐसे मानचित्र होते हैं जो बड़े पैमाने पर बने होते हैं और जो सामान्य उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं। इनके द्वारा क्षेत्र का सामान्य विन्यास निरूपित किया जाता है। स्थलाकृतिक मानचित्र एक बड़े मापक पर बने बहु उद्देशी मानचित्र होते हैं जो धरातल के छोटे से छोटे भाग को दर्शाते हैं। इन मानचित्रों पर प्राकृतिक लक्षण जैसे जल प्रवाह, धरातल, वनस्पति आदि और मानवीय लक्षण जैसे बस्तियां अर्थात गांव, नगर या ग्रामीण और शहरी बस्तियां, नहरें, सड़कें और अन्य जो भी संस्कृति का विकास मानव प्रकृति की सहायता से करता है और जो भूदृश्य हमें दिखाई देता है, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन या उन्हें दर्शाना इस स्थलाकृतिक मानचित्र का उद्देश्य है। तो इस तरह से इन मानचित्रों पर धरातल पर स्थित प्राकृतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को दर्शाया जाता है। ये ऐसे मानचित्र होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष का बहुत सूक्ष्म दृष्टि से, बहुत बारीकी से विहंगम चित्र प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि एक क्षेत्र में काफी सारे लक्षण होते हैं और उन सभी लक्षणों को दर्शाना कोई आसान काम नहीं होता है। इन मानचित्रों में विशिष्ट व्यवस्था पर आधारित संकेतों के माध्यम से, इन संकेतों को हम रूट चिन्ह के नाम से जानते हैं, रूट चिन्ह अर्थात कन्वेंशनल साइन। तो इन रूट चिन्हों के माध्यम से छोटे से स्थान में अधिक जानकारी प्राप्त होती है जिससे सूचनाओं को संग्रह किया जा सकता है। भूपत्रक मानचित्र किसी क्षेत्र विशेष का विस्तृत अध्ययन करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। इन्हें स्थलाकृतिक मानचित्र भी कहते हैं। इन मानचित्रों में विभिन्न विवरण परंपरागत चिन्हों, जिन्हें हम कन्वेंशनल साइंस या रूट चिन्ह कहते हैं, के द्वारा प्रकट किए जाते हैं। इन अंश चित्रों में या अंश पत्रकों में, जिसे हम भूपत्र कहते हैं, किसी क्षेत्र के विभिन्न भौगोलिक तथ्य, और ये भौगोलिक तथ्य दोनों तरह के हो सकते हैं, भौतिक और सांस्कृतिक, का विशद विवरण प्रस्तुत किया जाता है। सामान्य रूप में टोपोग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसमें टोपो और ग्राफिन दो शब्दों से मिलकर टोपोग्राफी बना है। इसमें टोपो का अर्थ स्थल और ग्राफिन का अर्थ वर्णन करना होता है। तो हम इसका अगर सामान्य अर्थ निकालना चाहें तो हम ये बताएंगे कि किसी भी स्थल का विस्तृत वर्णन करना स्थलाकृतिक मानचित्र है। इस प्रकार इन मानचित्रों का अर्थ किसी स्थान का वर्णन करना होता है। स्थलाकृतिक, जिसे हम भूपत्रक कहते हैं, इनका निर्माण हमने पहले भी ये इस पर चर्चा की थी कि ये मानचित्र बड़े मापक पर बनाए जाते हैं, दीर्घ मापक पर निर्मित किए जाते हैं। विधिवत सर्वेक्षण के बाद इन मानचित्रों में भौतिक और सांस्कृतिक विवरणों को परंपरागत चिन्हों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इन मानचित्रों के अध्ययन से मानव एवं उसके पर्यावरण के संबंध भी स्पष्ट हो जाते हैं और इनकी व्याख्या आसान हो जाती है। ऐसे मानचित्र, जिसे सामान्य उपयोग वाले मानचित्र भी कहा जाता है, इन्हें आपेक्षिक वृहद मापनी पर बनाते हैं। इन मानचित्रों में
महत्वपूर्ण प्राकृतिक और सांस्कृतिक लक्षणों, कौन कौन से लक्षण होते हैं, जैसे कि उच्चावच, वनस्पति, जलवायु, कृषि, भूमि, बस्ती एवं परिवहन तंत्र आदि को दर्शाया जाता है। ये मानचित्र सभी देशों की राष्ट्रीय मानचित्र संगठनों द्वारा तैयार और प्रकाशित किए जाते हैं। जैसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत में पूरे देश के लिए स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करता है। ये मानचित्र विभिन्न मापनियों पर मानचित्र श्रृंखला के रूप में तैयार किए जाते हैं। इसीलिए दी हुई श्रृंखला के सभी मानचित्रों में एक ही प्रकार के संदर्भ बिंदु, मापनी, प्रक्षेप, रूट चिन्हों तथा रंगों के प्रयोग किए जाते हैं। भारत में स्थलाकृतिक मानचित्र दो श्रृंखलाओं में तैयार किए जाते हैं। पहली श्रृंखला को हम कहते हैं भारत और निकटवर्ती देशों की श्रृंखला या भारत और पड़ोसी देशों की श्रृंखला, और दूसरी है विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों की श्रृंखला। हम पहले सामान्य बात करते हैं भारत और उसके निकटवर्ती देशों की श्रृंखला की, जो कि 1937 में दिल्ली सर्वेक्षण सम्मेलन होने तक भारत और उसके पड़ोसी देशों की श्रृंखला वाले मानचित्रों का निर्माण भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता था। इसके बाद पड़ोसी देशों वाले मानचित्रों का निर्माण बंद कर दिया गया और भारत का सर्वे विभाग केवल विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों वाली श्रृंखला के विनिर्देशों के आधार पर भारत के स्थलाकृतिक मानचित्रों का निर्माण और प्रकाशन करने लगा। परंतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने स्थलाकृतिक मानचित्रों के लिए नवीन श्रृंखला के अंतर्गत छोड़ दी गई भारत और पड़ोसी देशों की श्रृंखला के संख्यात्मक प्रणाली और विन्यास को अभिधारण किया है, अर्थात जो हमारी टोपोशीट स्कीम है वो इसी निकटवर्ती श्रृंखला पर आधारित है। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र 1:10,00,000, 2.5 लाख, 1.25 लाख, 50,000 और 25,000 की मापनी पर ही तैयार किए जाते हैं, जिसमें अक्षांशीय और देशांतरीय मान, अर्थात जो मानचित्र 1:10,00,000 पर हैं उनका विस्तार 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर, इसके बाद 2.5 लाख मापनी, 1-1 डिग्री अक्षांश, 1:25,000 मापनी, 0.5 डिग्री अक्षांश और देशांतर, और 50,000 पर 1/4 डिग्री अक्षांश और देशांतर, और लास्ट में 1:25,000 मापनी वाले जो पत्रक हैं उनका विस्तार 5 मिनट अक्षांश और 7.5 मिनट देशांतर होता है। तो इन्हीं टोपोशीट स्कीम को हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। ये आप एक मैप देख सकते हैं। इस मैप में जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताया है, इसके अंतर्गत जितने भी भारत और निकटवर्ती देश हैं उनकी श्रृंखला पर आधारित मिलियन मानचित्रों का ये एक श्रृंखला है, जिसमें प्रत्येक मानचित्र एक मिलियन मानचित्र कहलाता है। इनका विस्तार 4 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है और देशांतरीय विस्तार 44 डिग्री पूर्वी देशांतर से 104 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। अर्थात ये जो श्रृंखला है, ये जो मैप आप देख रहे हैं, इस मैप का जो प्रत्येक मानचित्र है इस पर इसकी सूचक संख्या लिखी हुई है और प्रत्येक सूचक संख्या वाला मानचित्र 1 मिलियन मानचित्र कहलाता है, क्योंकि इसकी मापनी 1:10,00,000 होती है और इन मानचित्रों का जो विस्तार होता है वो 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर होता है। तो इन्हीं मानचित्रों का हम आगे संख्यात्मक विन्यास देखेंगे, इनका नंबरिंग सिस्टम भी समझने का प्रयास करेंगे। एक और बात इससे संबंधित हम समझ लेते हैं कि भारत का जो सर्वेक्षण विभाग है वो 3 मुख्य प्रकार के मानचित्र प्रकाशित करता है, जिसमें पहले हैं भौगोलिक मानचित्र, जिसमें अभी हमने जो श्रृंखला देखी थी भारत और निकटवर्ती देशों की श्रृंखला, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला, संसार का वायुयान चार्ट, राज्यों के मानचित्र और सामान्य मानचित्र।
सर्वे विभाग दूसरा मानचित्र दर्शाता है, स्थलाकृतिक मानचित्र, जो दो तरह से विभाजित हैं, मापने के अनुसार और शैली के अनुसार। मापने के अनुसार जो मानचित्र बनाए गए हैं या भूपत्रक बनाए गए हैं, उनमें चौथाई इंच मानचित्र, आधा इंच मानचित्र और एक इंची मानचित्र या पत्रक मुख्य हैं। और ये तीनों ही मापनी के अनुसार बनाए गए मानचित्र भौगोलिक मानचित्रों पर भारत और निकटवर्ती देशों की श्रृंखला पर आधारित हैं। इनका नामकरण भी उसी श्रृंखला के आधार पर किया जाता है, हालांकि उसका प्रकाशन अब बंद कर दिया गया है, लेकिन उसका संख्यात्मक मान नंबरिंग सिस्टम उसी पर डिपेंड है। शैली के अनुसार इन्हें हम आधुनिक शैली, प्राचीन शैली और आधुनिक शैली में प्राचीन शैली के मानचित्रों में दर्शाते हैं। और इसके अलावा जो अन्य मानचित्र होते हैं, जैसे नगर गाइड, विशिष्ट वन मानचित्र, 1:25,000 मानचित्र और रूपरेखा मानचित्र। तो आज के इस वीडियो में हम केवल स्थलाकृतिक मानचित्र क्या होते हैं, इनका अर्थ समझने का प्रयास कर रहे थे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय स्थलाकृतिक पत्रक की नामांकन योजना, इंडियन टॉपोशिट स्कीम अर्थात भूपत्रक की योजना, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसे मैं अभी समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।